चलो तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं नए स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट बार चैनल को विजिट कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ इस चैनल पर इस सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है चैनल को, सबसे पहले कंटेंट क्या क्या मिल रहा है चैनल पर तुम लोगों को। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्लास 9-10 के लिए तुम लोग को मैथ साइंस एस एस टी सी बी एस ई वालों के लिए आईसीएसई वालों के लिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एस एस टी मतलब दोनों को सारा कुछ मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करोगे इलेवेंथ का तो इलेवेंथ में देखो तुम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ बायोलॉजी ये सारा चैप्टर तुम लोग को इस चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है, मिल जा रहा है। उसके बाद अगर तुम लोग बात कर रहे हो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए देखो तुम्हारे लिए ओलंपियाड के लिए सारा कुछ अवेलेबल है, मेंस एडवांस मेडिकल लिखा हुआ नहीं है, मेडिकल के लिए सारा कुछ अवेलेबल है तुम लोग के लिए, और गेट और आईएएस, ठीक है, गेट आईएएस उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद जनरली लोग गेट और आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सब तुम लोग के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। 9-10 स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखो अपना जो है ना फ्यूचर पहले से बना करके रखो, 9-10 में 11th का और 12th का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लो ताकि जो फ्यूचर है वहां पर ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, फ्यूचर सेफ रहे, ठीक है। तुम लोग जब 9th का फिजिक्स पढ़ते हो मोशन फोर्स वर्क पावर एनर्जी ग्रेविटेशन तो ये सारा 11th में भी पढ़ना है और फिर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो यहीं पर तुम लोग एसी वर्मा को फॉलो करो, एसी वर्मा का जो क्वेश्चन है सोल्व कर लेना, थोड़ा सा लेवल को बस बढ़ाना होगा, 11th तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और कंपटीशन का भी साथ में प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि 9th में 10th करोगे तो फिर 11th में सिर्फ 11th कर पाओगे, 12th में सिर्फ 12th कर पाओगे, कंपिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, तो वो तुम लोग को अभी करना है, ठीक है, 9th से ही तैयार रहना है। 10th में जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लाइट ये सारा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, और फिर ये चैप्टर फिर से 12th में भी है और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो इसी समय एसी वर्मा को सॉल्व कर लेना है। एसी वर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फिजिक्स का जो कि तुम लोग को काम आएगा कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद चलो यहाँ पर तुम लोग को मिलता क्या क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो फैकल्टीज है आईआईटी कानपुर, जादवपुर यूनिवर्सिटी, आईएसएम धनबाद और आईआईटी पटना, ठीक है। ये रिपोर्ट जो रैंक लिखा हुआ है 2018 के अनुसार है। यहाँ पर तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर मेनली जो प्रिपरेशन कराया जाता है वो आईटी जेई गेट और आईएएस के लिए। पहले चैनल का नाम ईडू फॉर ई था क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर क्लास लिया जाता था, पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेस 9, 10, 11 और 12 है, या फिर कोई भी बीटेक कर रहे हो कोई भी ब्रांच से कर रहे हो तो बेस तो 9, 10, 11, 12 है, तो वो पढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। और इंक्लूड करने के बाद इस चैनल का नाम ही हमने चेंज कर दिया मी अकेडमी, मी का मतलब समझ रहे हो मेक इंजीनियरिंग ईजी, ठीक है। उसके बाद चलो ये हमारा इंट्रो था और अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा जो क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं।